Good evening everyone, welcome to AGA classes. Today, as you can see from the screen, we will be discussing 20 modern history questions, and this is the fourth video. If you haven't seen the first three videos of modern history, you can see from the playlist of the channel AGA classes. So without wasting any time, just read the first question. What does the first question says? First question says, Alfred Park at Allahabad has been renamed after. तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखर आजाद. चंद्रशेखर आजाद. आपको स्टोरी पता होगा कि चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क के अंदर ही इंफॉर्मेशन के तहत ब्रिटिश के सिपाही ने उनको वहां पर घेर लिया था, जहाँ पर इन्होंने अपने आत्महत्या खुद को गोली मार के कर दिया था. तो इसीलिए इलाहाबाद का ये पार्क को इनके याद पे, चंद्रशेखर आज़ाद की याद में, उनके नाम से रिप्लेस कर दिया गया. ठीक है, नाम को चेंज कर दिया गया पार्क का. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, श्यामजी कृष्णा वर्मा इस्टेब्लिश्ड इंडियन होम रूल सोसाइटी इन, ये लंदन में शुरू किए थे. ठीक है, इसका आंसर है लंदन. थर्ड क्वेश्चन, हु फाउंडेड स्वदेश बांधव समिति, इसका आंसर है अश्विनी कुमार दत्ता. काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर अश्विनी कुमार दत्ता. ठीक है, हु इंट्रोड्यूस्ड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये चौथा क्वेश्चन बोल रहा है. तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस. लॉर्ड कॉर्नवालिस से काफ़ी क्वेश्चन आता है, जैसे कि सिविल सर्विस को भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था, मतलब इन्हीं के पीरियड में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी इन्हीं को कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आएगा. आप लोग पाउज करिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए और बताइए कैसा क्वेश्चन लगा आपको ये वाला. ये पार्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी ज़्यादा आएगा आपके सामने. नेक्स्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए. हु रेज्ड द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921, कौन सबसे पहले पूर्ण स्वराज, है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का हिंदी टर्म जो बोला जाता है वो है पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. ये फर्स्ट टाइम 1921 में मौलाना हसरत मोहानी रेज किए थे ये डिमांड को. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौलाना हसरत मोहानी, इसको आप मार्क कर लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन बोला, हु सेड आई एम लॉयल टू इंग्लिश बिकॉज आई लव सेल्फ रूल, ये बोले थे बिपिन चंद्र पाल ने. बिपिन चंद्र पाल एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, लाल बाल पाल हम लोग पढ़ते हैं, ये पाल. ठीक है, लाल है लाला लाजपत राय, बाल है बाल गंगाधर तिलक, और पाल ये बिपिन चंद्र पाल. ठीक है, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हु इस्टेब्लिश्ड हितोकारिणी सभा फॉर डिप्रेस्ड क्लास. ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास के लिए हितोकारिणी सभा निकाले थे बी आर अम्बेडकर. फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हीं को कहते हैं, भीमराव अंबेडकर इनका फुल फॉर्म है. ठीक है, एट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, हु फाउंडेड स्वदेशी भंडार. स्वदेशी वर्ड से समझ में आ रहा है, जब ये स्वदेशी बॉयकॉट का मूवमेंट चल रहा था, जो कि मतलब स्वदेशी मतलब हुआ कि मेक इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स को बोला गया, तो स्वदेशी और बाकी बाहर का सब कुछ चीज़ को बॉयकॉट करने का, ये 1897 में ये स्वदेशी भंडार खोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने. ये 1897 में ये वाला खोला था. और एक और क्वेश्चन आता है इसी के तरह कि 1903 में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक और खोला था, सरला देवी लक्ष्मी भंडार दुकान को बोलते हैं. ठीक है, जहाँ पर स्वदेशी गुड्स मिलता था, मतलब कि होममेड गुड्स. ठीक है, अब नेक्स्ट स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 आएगा,
आप लोग वैसे ही पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और अगर आपको ये लग रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस हो रहा है तो एक लाइक बटन कर दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं, हमारा पढ़ते हैं। इन 1940 जनवरी इन हिज लेटर टू सी एफ एंड्रूज हु वॉज डिस्क्राइब्ड बाई गांधी जी एज माई सन बट ए स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ द फैमिली। सी एफ एंड्रूज के बाद मैं ये जो ब्रैकेट छोड़ा हूँ ये इसलिए छोड़ा हूँ कि इसके लिए एक और क्वेश्चन आता है कि सी एफ एंड्रूज को दीन बंधु भी बोलते हैं या दीन बंधु नाम से संबोधित किया जाता है। दीन बंधु सी एफ एंड्रूज, देश बंधु तो अलग होता है, दीन बंधु अलग होता है, ठीक है। सी एफ एंड्रूज को दीन बंधु बोलते हैं और दूसरा एक और देश बंधु अलग है नाम। आप यहाँ देखिए तो ये क्वेश्चन का आंसर है जो माई सन गांधी जी ने किसको अपना बेटा कहा था, बट ऐसा बेटा जो कि बिगड़ा हुआ बेटा होता है ना, स्पॉइल्ड माने होता है बिगड़ा हुआ चाइल्ड, तो ये इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन बोला, हु सेड वी शैल मेक द सेटल्ड फैक्ट अनसेटल्ड। काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसका आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नील दर्पण, ये वाला क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आ भी चुका है और आ भी सकता है नेक्स्ट टाइम। नील दर्पण जिसके ऑथर है दीन बंधु मित्रा, ये पोर्ट्रे करते हैं प्लाइट ऑफ, इसका आंसर है इंडिगो कल्टीवेटर्स, इंडिगो कल्टीवेटर्स। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है और इस बार का प्रीलिम्स WBCS के प्रीलिम्स में ये वाला क्वेश्चन आया था, हु वॉज नोन एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसका आंसर है हरिश्चंद्रा, हरिश्चंद्रा। ये बोर्ड में तो सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे आ रहा है जल्द ही। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है तो हम लोग पढ़ते हैं। इन विच न्यूज़पेपर बॉयकॉट वाज फर्स्ट डिक्लेयर्ड, ये स्वदेशी बॉयकॉट है इसको सबसे पहले कौन से न्यूज़पेपर में डाला गया था, ये भी इस बार के प्रीलिम्स में आ गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, संजीवनी, और इसके एडिटर का नाम आप लिख लीजिए के मिश्रा, ये एक अलग इम्पॉर्टेंट है 2021 के प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि जब यहाँ तक का क्वेश्चन आ रहा है कि संजीवनी के बारे में पूछा गया था कि कौन सा पेपर में हुआ है, तो उनके एडिटर का नाम भी कभी भी पूछ सकता है, के मिश्रा उनके एडिटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स वॉज मेड इन, ये 1909 में हुआ था, वो रिफॉर्म का नाम है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मिंटो उस समय के वॉइसरॉय थे और ये जो हमारे मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कि मॉर्ले मिंटो में मॉर्ले क्या थे। मिंटो तो समझ में आ रहा, गवर्नर जनरल थे, ठीक है, या वॉइसरॉय थे, अगर वॉइसरॉय का सिस्टम स्टार्ट हो गया था, ठीक है, तो वॉइसरॉय ये थे, तो मॉर्ले कौन थे, ठीक है। इसी तरीके से 1919 को भी एक रिफॉर्म बोला जाता है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, है ना, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। चेम्सफोर्ड तो हमारे हो गए वॉइसरॉय, मोंटेगू क्या हुए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुए। क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि मोंटेगू उस वक्त कौन थे जो वो रिफॉर्म था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में जाते हैं, हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज, तो ये ज्योतिबा फुले है, ज्योतिबा राव फुले इनका नाम है। इनके इम्पॉर्टेंट ये भी है कि इनको महात्मा नाम से भी संबोधित किया जाता है, ठीक है, महात्मा नाम इनके लिए भी आता है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा अगर कभी किसी क्वेश्चन में पूछता है कि महात्मा नाम और ऑप्शन में गांधी नहीं है मौजूद, तो और अगर ज्योतिबा है तो ज्योतिबा दे दीजिएगा, ठीक है, ज्योतिबा लिख दिया था मैंने, ज्योतिबा, ठीक है, ज्योतिबा राव फुले, ठीक है।
इनका एक और क्वेश्चन आता है गुलामगिरी लेके कि गुलामगिरी के ऑथर कौन है, तो गुलामगिरी के ऑथर भी ज्योतिबा राव फूले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यंग हस्बैंड मिशन टू टिबेट वाज सेंड बाय लॉर्ड कर्जन, इसका आंसर है। लॉर्ड कर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनके लिए क्वेश्चन आता है कि 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था तब के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का और भी आता है कि 1905 में बहुत सारे जितने भी प्रोसेसेस हुए वो सब लॉर्ड कर्जन से ही रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी एक्ट 1903 जो है, यूनिवर्सिटी एक्ट ये भी इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ठीक है, ये जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मतलब सब गवर्नर जनरल्स के जो जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो मैं शेयर करूंगा, मैं लिखा हुआ रहूँगा यहाँ पर सब चीज़, आपको सिर्फ स्क्रीन में बताऊंगा और थोड़ा रीड आउट कर दूंगा। ठीक है, उसमें मैं बता दूंगा कि किसके टाइम पे क्या क्या एक्ट हुआ था। ठीक है, जैसे लॉर्ड डलहौजी के टाइम में रेलवे हुआ 1853 में, फिर PWD बनाया उन्होंने। ठीक है, तो वैसे गवर्नर जनरल और वॉइसरॉय का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी अभी एक्सप्लेन करना बाकी है, INC का एक वीडियो बनेगा इंशाल्लाह, और एक वीडियो सोच रहा हूँ मैं सब जितने जितने बड़े बड़े महान लीडर्स हैं जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो क्या होगा कि मेंस में कभी कभी बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछता है, तो आप अगर उस पर्सनल के बारे में काफ़ी डीप नॉलेज रखेंगे तो आपके लिए आंसर देना आसान होगा। ठीक है, बस सपोर्ट करते रहिए, मैं सपोर्ट देखता रह रहा हूँ और ऐसे ही वीडियोस डाल रहा हूँ और उतने ही डेडिकेटेड हो पा रहा हूँ जितना मैं व्यूज़ देख रहा हूँ कि हाँ भाई काफ़ी व्यूज़ हो रहा है, लाइक शेयर भी हो रहा है, लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मेरे नॉलेज से एक महीना में मेरे 38 सब्सक्राइबर्स हो गए माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है और इसको आगे भी बढ़ाना है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए तो क्या होगा कि मेरा डेडिकेशन बना रहेगा कि ठीक है मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और चार क्वेश्चंस के बाद इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा वीडियो, मैं इसको लॉन्ग नहीं करने की कोशिश करूँगा, 15 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। हु इज़ पायोनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, तो इसका आंसर है RC दत्त। ठीक है, इन्हें कहते थे पायोनियर ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अलग अलग तरीके से ही पूछता है, कभी पूछता है कि बंगाल का अनुशीलन समिति के फाउंडर कौन है, कभी पूछता है कि ढाका का, तो इनका होगा P मित्रा, माफ़ करिएगा थोड़ा सा, P मित्रा, और ढाका के हैं पुलिन बिहारी दास। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसका आंसर है एलेक्जेंडर कनिंगहम। ठीक है, 20th नंबर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछता है, कभी पूछता है कि ये गदर पार्टी कब फॉर्म हुआ, तो 1913 है उसका आंसर, इनके फाउंडर का नाम क्या है, तो लाला हरदयाल आंसर है। ये काफ़ी मतलब कि आप बोल सकते हैं WBCS का फेवरेट क्वेश्चन है, ये गदर पार्टी का फाउंडर का नाम लाला हरदयाल, कब हुआ, 1913, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, तो सैन फ्रांसिस्को USA में। ठीक है, मैं जो यहाँ क्वेश्चन बनाया हूँ वो कुछ हट के है, ये क्वेश्चन मुझे मिला था अल अमीन मिशन में, हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे थे तो ये क्वेश्चन आया था और मैं कृष्णा रेड्डी में पढ़ चुका था रीडिंग में, तो मेरे लिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही आसान हुआ, बाकी सब ने बहुत डिबेट किया कि ये आंसर कैसे होगा। खैर, मैं आपको शेयर करता हूँ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है सोहन सिंह बखना। 3 आदमी थे, लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखना और एक और थे, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मुस्लिम थे। खैर, तो सोहन सिंह बखना पहले प्रेसिडेंट बने थे गदर पार्टी का, ठीक है, 1913 में, और लाला हरदयाल जो है वो फाउंडर है,
कंफ्यूज मत होइएगा, फाउंडर अलग है, प्रेसिडेंट अलग होता है। जैसे कि आपको याद भी होगा, ये जो हमारा 1922 में एक जिसमें मोतीलाल नेहरू और स्वराज पार्टी में जो था, तो मोतीलाल नेहरू जो है प्रेसिडेंट नहीं थे, कोई और प्रेसिडेंट थे। वो कौन थे अगर आपको पता चल गया तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ही कमेंट दीजिए। तो ऐसे लगे कि बस ये बंदा मेहनत कर रहा है और बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लाइक करते हैं या शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन इंटरेक्ट नहीं करते हैं। कुछ गलती हो रहा तो मुझे बताइए भी, सलाह दीजिए, मशवरा दीजिए कि सर आप ये करिए या भाई आप ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट करिए, कोशिश करिए कि थोड़ा लाइट ज़्यादा हो या ऐसा कुछ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट। ये वीडियो रात में बन रहा है इसलिए मैं गुड नाइट बोला हूँ, अगर अपलोड होते होते सुबह हो गया तो गुड मॉर्निंग।